जो लखपति उसको घर में खाना खाओगे, मतलब जिंदगी में कभी हमारे घर में खाना नहीं खाओगे। अरे महाप्रभु समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते, 1,00,000 ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। मेरे तरफ में देखो, कुछ दिन पहले टीवी में आता था करोड़पति कौन बनेगा, है ना? यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं लखपति कौन बनना चाहते, मेरे तरफ में देख लो। अब रोज रोज कैसे लखपति बन सकते हो? जैसे ये माला है, है? जैसे हम माला को जप करते हैं, मेरे साथ में बोलना, बोला हरे कृष्ण हाथ ठाकुर बोलो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, बोल करके इसका एक मोती सरकाते हैं। अब लोग सब सीख लेना है। फिर दो बार बोल कर दो मोती, इसमें कितना मोती है? 108 मोती है। देखो कितना होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब एक बार ये नाम को लिया, 16 बार ठाकुर जी का नाम हो गया, इसमें 108 मोती है। अगर एक राउंड कर लिया ना, अगर फिर उसको 2 राउंड, ऐसे अगर 16 राउंड कर लिया, वो हिसाब से होता है 25,000। अगर 64 राउंड कर लिया तो हो गया 1,00,000। भगवान स्वयं कहते हैं, बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं जप की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। ये भगवान खुद कहते हैं, 1,00,000 रुपया तुम्हारे फिक्स डिपॉजिट हो गई। अगर कुछ पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर, कुछ ब्याज मिलेगी ना? बोले ब्याज कितना मिलेगी? इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है, अगर आज 1,00,000 नाम किया ना, कल कितना मिलेगा? आपने 1,25,000, और 4 दिन में 2,00,000। 4 दिन में 2,00,000। हमारे गुरु जी कहते थे, मानो इसी संसार की पैसा तुम्हारे पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए। कितनी प्रॉपर्टी? 100 करोड़ की आज मालिक है। ये केवल तुम्हारी शरीर बदल गया, केवल तुम्हारा चोला बदल गई। यहाँ से कितना पैसा लेकर के जाएंगे? यहाँ से 1 पैसा छू सकते हो? 1 भी पैसा यहाँ से छू नहीं सकते हो, जितने भले ही तुम नहीं कमाया, 1 भी पैसा साथ में जाने वाले नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे, अगर किसी व्यक्ति को बोलो हरिनाम थोड़ा माला करो, बोले समय कहाँ है? बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा कर रखना ना। देखा, हमारे गुरु जी कहते थे, बोले बच्चों के लिए कमाने का जरूरत नहीं, बच्चा अगर होना होगा तो कमा ही लेगा। और अक्सर करके जिसकी पिता माता जितने पैसा कमा करके जाते हैं, उसका बेटा उतना ही बर्बाद होता है। शराब और जुआ खेल करके सारे पैसा तो नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, भैया अगर परमार्थ को सुधारना चाहते हो, जितने हो सके प्रभु के नाम को जप कर दो। भगवान की नाम को जप कर जो धन कभी, अगर जिसको पिता कमाएगा तो जिसको बेटा नहीं ले सकता है, और जिसको बेटा कमाएगा तो जिसको पिता ले ही नहीं सकता है। जो कमाएगा वही केवल अगले जीवन में वो तो मिलेगा ही, और उसको ब्याज साथ में मिलेगा, ठीक है ना? इसे बताओ तो कौन सा धन को कमानी चाहिए? कौन सा धन को कमानी चाहिए? ठाकुर जी की नाम धन को कमानी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बार बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री परीक्षित महाराज को जो पता चला 7 दिन में मरने वाला हूँ, उसी समय में अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में अभिषेक करके उन्होंने प्रायः वचन किया। प्रायः वचन मतलब होता है, जब तक ये मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। उन्होंने गंगा किनारा में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। ए बच्ची बैठ जाओ सामने, बैठ जाओ। इसलिए उन्होंने उनको बोले गंगा किनारा में आश्रय लिया। बोले गंगा किनारा में क्यों आश्रय लिया? बोले जो गंगा है ये भगवान की चरणामृत है। भगवान की चरण और चरणामृत में कोई फर्क नहीं, इसलिए मानो ठाकुर जी की उन्होंने चरण को उन्होंने आश्रय लिया। पहले कोई टेलीफोन नहीं था,
पहले कोई टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन ऋषियों के पास में इतने दिव्य ज्ञान होती थी, सारे ऋषियों को पता चला गया श्री परीक्षित महाराज प्रायवसन की है, अभी सारे संत समागम होगी और वहां पर भागवत कथा रूपी मंदाकिनी की नदी वहां पर बहेगी। वहां पर 88,000 ऋषि लोग आए। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बल आज नहीं तो 100 साल के बाद में सबको एक दिन मरना है, आज कल परसों बरसों जिनको मरना है इनका कर्तव्य किया है। लेकिन वहां पर जितने ऋषि लोग थे सबके सब अलग 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 प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, सारे अलग अलग उत्तर दे रहे थे। प्रभु जाएंगे, चले जाओ, जाना है। माला पकड़ा दो यार, कौन है इधर? है वहां पे कहां है माला? माला पकड़ा दो, इधर माला तो माइक हर रवि प्रभु बोल, माइक बोल माला। सभी लोग प्रेम से एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। देखो भी महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे थे ना कि राजा को समय नहीं था के पास मिलने के लिए, राजा को समय नहीं था। पर देखो हम लोग यहाँ पर बहुत सुंदर कथा चल रही है और कथा के बाद हम प्रसाद पाते हैं और प्रसाद पाने के बाद हम पत्तल फेंक के चले जाते सब और पत्तल सब इधर उधर फैले रहते हैं। और देखो जैसे कि बोलता है इतने बड़े पद पे भी रहने पर भी हमारे जो यहाँ के निगम पार्षद अशोक नगर के रजनी पांडे और बबलू पांडे जी, इन्होंने दायित्व लिया है जितना भी हम यहाँ पर जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी हम आप लोगों की सहायता करेंगे। हमारी रमा माता और हेमा माता इनके पास गई थी, इतना ही नहीं यदि भी इनके पास समय नहीं है, अभी बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, फिर भी ये संतों के दर्शन करने के लिए आए। जैसे राजा के पास समय नहीं था ना, पर ये समय निकाल कर महाराज बोले हम कथा में आएंगे, 4 बजे आ गई थी कथा में, आने के लिए कह रहे थे, मैंने कहा नहीं आप थोड़ा लेट आना, तो इसलिए ये कथा में आए महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है किसी प्रकार की आपको सहायता होगी हम लोग करेंगे, इसलिए हम बबलू पांडे और रजनी पांडे जी जो आके निगम पार्षद है इनका स्वागत करते हैं। आप लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे पदम शर्मा जी, ये भी हमें हर प्रकार से हर साल, इसी साल नहीं हर साल, हमारी हर तरह से सहायता करते तन से मन से धन से। और हर साल इनकी पत्नी और ये आते हैं, कथा भी सुनते हैं। देखो धन तो सहायता आ ही जाता है और जो संतों के दर्शन करने के लिए आए और स्वयं कथा में बैठे, ये बड़ी बात है। ये तीनों नीचे बैठ गए थे यहाँ पर आके, कोई अभिमान नहीं किसी प्रकार का, मैं इनको ऊपर लेके आया, तो इसलिए हम इन तीनों का धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, मान से आशीर्वाद लें और अपना कीमती समय निकाल के लाए, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो एक चीज मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, इनका देखो इनका चोटी है, चोटी है ना। देखो तो ब्राह्मण लोग कभी कोई ब्राह्मण धर्म जाजन नहीं कर रहे, देखो जन्यू भी इनके अंदर में है, इसलिए इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अपना धर्म को हमें पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण होकर के देखो, ब्राह्मण साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, कृष्ण स्वयं ब्राह्मण के चरण धोए, लेकिन ये सही ब्राह्मण है जो जन्यू और चोटी रखे है, इसलिए हम ठाकुर जी से आशीर्वाद करते हैं संसार में खूब फलते फूलते रहे और भगवान का आशीर्वाद मिले और खूब भगवान की भजन करें। ठीक है, इधर आ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।
की ब्रजे समग्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज बनिता सब पुष्ट है मधुकर गोकुल चंद अरे कन्हैया ले चल पर लीपा अरे जहां विराजे अरे जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया कन्हैया सवरिया ते चल कर सवरिया
Thank you.
सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे और हाथ देखा कर राधे राम की ध्वनि लगाना। क्या बोलना है आप लोगों को? क्या बोलना है? राधे राधे। इन्हें जोर से बोलियो, राधे राधे बोलना है सबको। तो आइए सभी लोग एक बार हाथ उठाए, अरे प्यार से बोलो, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री गुंजन में, श्री बापन में, श्री बापन में, श्री बापन में, अरे प्यार से बोलो, ये हाथ उठा के, ये ताली बजा के, ये फेंक के बोलो, ये आवाज में आई, हर महीने चढ़िया, ये घर घर में, ये यात्र घर में, ये गली गली में, ये प्रेम से बोलो, ये बोल से बोलो, ये राधे राधे, ये जय श्री राधे, ये गोविंद राधे, ये कुछ मिलो था, ये कुछ मिलो था, ये जब जुड़ा में, ये काम कोट में, ये राधा तुम में, ये प्रेम से बोलो, राधे राधे, कुछ भरो बार, ये लाल घटी में, ये घर साने में, ये गहरे रण में, हे महावन में प्रेम से बोलो, बोल से बोलो, राधे राधे, 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 प्रश्न कृतलोकृत आत्मबीज सन्मतार परीक्षित महाराज ने प्रश्न की, आज कल परसों और परसों एक दिन सबको मरना है, इनका क्या कर्तव्य है? तो इसको श्रवण करके बोले, तुमने जो प्रश्न की है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, जो आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति भी ये प्रश्न का सम्मान करेगी। तो देखो, ये जो मानव शरीर हमें भगवान दिया है, ये सहज में ये मानव शरीर नहीं मिलता है, ये 84 लाख जन्म के बाद में शरीर एक बार देते हैं, जिसको भगवान राम कहते हैं सुर दुर्लभ सत दुर्धनगावा। कहते देवताओं के लिए भी जन्म लेना बड़ा साधारण बात नहीं, देवता लोगों को भी ये मानव शरीर नहीं मिलता है। अब अच्छे कर्म करके स्वर्ग तो जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग में ऐसे कोई पुण्य नहीं जो काम करके फिर आप इंसान बन सकते हो, ऐसे कोई कर्म नहीं। उसके बाद में पेड़ पौधा सुकर कुकर होकर कहीं जन्म लो, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है। बोले कहां पर? बोले इंग्लैंड और अमेरिका में नहीं, वो भारत में। इसलिए हमारा देश का नाम भारत, भा मतलब होता है प्रकाश, रत मतलब है जो हर समय प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं। और विशेष करके हिंदू घर में तो जन्म लेना बड़ा ही भाग्यवान की जरूरत है, इसलिए क्योंकि भगवान राम कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, बल साधन धाम मोक्ष करे द्वारा और पाए न जई पर लोक सवारा। कहते केवल 84 लाख जन्म में ये मानव शरीर ही ऐसे के जन्म है जिस शरीर के द्वारा हम भगवान की भजन कर सकते और किसी जीवन में भक्ति नहीं कर सकते। बोले देखो श्री परीक्षित महाराज, इतने दुर्लभ जीवन पा करके ना हम क्या करते हैं, केवल 4 काम करके ये जीवन को नष्ट कर देते हैं। बोले 4 काम क्या करते हैं? बोले दिन में 2 काम और रात को 2 काम करते हैं। बोले दिन में 2 काम किया, बोले पैसा कमाओ और पैसा से परिवार को मेंटेनेंस करो। बोले रात को सो और ये विषय भोग कर बच्चों को जन्म दो। कहते बताओ ये काम कौन नहीं करता? ये काम तो जानवर लोग भी करते हैं, कुकर सुकर जीवन में, हर जीवन में देखो कौन बच्चों को जन्म नहीं देते। हम कितना जीवन में बच्चे जन्म दे दिए, 2-4 सुअर को देखो 1 दर्जन से कम नहीं, बकरी को देखो, कुत्ते को देखो,
हम एक बच्चे को पालन करने के लिए 20-25 साल लगा देते हैं। अगर बच्चे का कोई नौकरी नहीं लगे, शादीशुदा नहीं हो, फिर सर पर बोझ बन जाता है। लेकिन उनको इस भी बात है, एक महीना में उनको होनहार करके छोड़ देते हैं। खाने के लिए 20-20, 25-25 साल MA PhD डॉक्टर करो, फिर 10-10 घंटा काम करो, फिर जाकर पैसा कमाओ। देखो किसी जानवर को, कोई स्कूल में जाते हैं, कोई कॉलेज में जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो आसानी से खाना उनको मिल जाती है। इसलिए कहते हैं देखो, ये जीवन का ये उद्देश्य नहीं केवल खा पी करके बच्चों जन्म दे करके जीवन को बिता दो, ये जीवन का कर्तव्य नहीं है। क्योंकि इसी मानव शरीर से प्रभु की भजन होगा और किसी जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए इसी जीवन को पा करके जो लोग भगवान की भजन कर लिया, समझना जीवन में हमारे सारे कर्तव्य हो चुका है, सारे कर्तव्य हमने कर चुके हैं। इसलिए हे परीक्षित महाराज, के तस्मात सर्वात्मन राजन भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कृतितव्य स्मर्तव्य इच्छा भयम। अगर ये जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, कहते तो उनको तीन काम करनी चाहिए, बोले भगवान की कथा सुनो और भगवान का कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो, तीन काम करनी चाहिए। मेरे तरफ में देखो, उन्होंने तीन काम बताया, सुना, कीर्तन करो और स्मरण करो। लेकिन बीच में उन्होंने नाम रखा, कीर्तन को रखा। बोले बीच में कीर्तन क्यों रखा? बोले कारण है, ये कीर्तन से दो काम अपने आप हो जाता है। जो कीर्तन करेंगे वही कान में जाएगा, और जो कान में जाएगा वही हम स्मरण करेंगे। इसलिए कलिजुग में बताया, सर्वश्रेष्ठ जो साधन है ये भगवान का नाम कीर्तन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अब ध्यान में बैठो, मन इधर उधर भटक सकता है। जैसे कथा में बैठो, जैसे शरीर तो यहाँ पर है, हो सकता है मन अपना घर में, बेटा बेटी को पास में, लेकिन आप देखना जब हम कीर्तन करते हैं ना, उसी समय मन और कहीं नहीं जाता है, मन उसी में ही डूब जाती है। इसलिए बताया कलयुग में सबसे बड़ा जो साधन है ये भगवान का कीर्तन की साधन है। इसलिए सबके सब हमें भगवान की कीर्तन करनी चाहिए। थोड़ी सी कीर्तन हो, देखना शरीर में जोश आ जाती है, शरीर में जोश आ जाती है, नींद खुल है, नींद भी चली जाती है। इसलिए भगवान का कीर्तन करनी चाहिए। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी ये सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, बोले जिस समय भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए, चारों तरफ में उन्होंने पानी ही पानी देखा, बोले मेरी सृष्टि कहाँ से हुई। हजार साल तक उन्होंने ढूंढते रहे लेकिन कोई पता ही नहीं मिला। व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर उन्होंने सुने, ता और उपा, बोले तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या किए तो भगवान अपना दिव्य ज्ञान उन्होंने, बोले ज्ञानों में परम गुह्यम जत विज्ञान संबंधितम, उन्होंने उनको विज्ञान को साथ में उन्होंने सारे धर्म को उन्होंने सिखा दी। कृष्ण सर्वप्रथम अपना बंसी ध्वनि से जो गोपाल मंत्र को हम जप करते हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को कान में पहले ये गोपाल मंत्र दिया। और ये भागवत को बताया, ये चतुश्लोकी भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ये भागवत का 4 श्लोक उन्होंने प्रदान की, और ये 4 श्लोक का जो व्याख्या है ये संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत है। तो भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दिए, बेटा ये सृष्टि का क्रम बढ़ा, ब्रह्मा सर्वप्रथम अपना मन से उन्होंने चतुसन को सृष्टि किया, सनत सनदन सनातन और सनत कुमार। बोले देखो भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी बड़ा दुखमय है, हम ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं प्रभु की भजन करे और मस्ती में रहे। जब उन्होंने ये बात बताए, इतने में ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया, भगवान का निर्देश है संसार का क्रम को बढ़ाओ, सर्वप्रथम मैंने ये 4 को सृष्टि के पहले मना कर दिए। मतलब ये 4 शिक्षा देते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करना जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और भगवान की जो भक्ति है यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जब उन्होंने क्रोध किए, उनको ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुए, उनको भी ब्रह्मा जी आदेश दिए, लेकिन शंकर जी कौन है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम, वो जोगी जोगी महाजोगी श्री शंकर जी। आप कहीं भी शंकर जी की कहीं फोटो देखना,
लेकिन ध्यान में शंकर जी बैठे हुए रहते हैं, हाँ अखंड ध्यान में। जब उनको ध्यान लगती है, कल्पत कल्पत का शंकर जी की ध्यान लग जाती है। शंकर जी परम वैष्णव, वो भी चाहते हैं प्रभु की भजन जीवन में करें। उन्होंने सोचा, पिताजी पहले बड़े भैया को सृष्टि की और उन्होंने मना की तो उनको क्रोध आ गया, अगर मैं भी मना कर दूं ना पिताजी मेरे ऊपर बिगड़ नहीं जाए। उन्होंने बोले ऐसे काम करो जो पिताजी अपने आप मना कर दे। फिर शंकर जी जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ करें। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है हा? ये भूत पिशाच जरूरत नहीं ऐसी सृष्टि, चुप रहो। बोले भैया बढ़िया हो गया, मैं तो यही चाहता था। फिर उन्होंने परछाई से श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 10 बेटों को जन्म दिए। फिर ब्रह्मा जी अपना शरीर से मनु और सत्वरूपा को उन्होंने सृष्टि की। बाम अंग से सत्वरूपा और डान अंग से मनु, यहीं से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए मनु महाराज से हम हुए हैं, इसलिए हमको मानव कहलाते। लेकिन हमारे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, डार्विन थ्योरी कहते पहले हम बंदर थे और ये बंदर का पूछ कटते 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 एकदम खत्म हो गया ना, फिर तो हम इंसान हो गए। लेकिन हमारे गुरुजी बड़े गुरुजी कहते हैं बोले बंदर से अगर इंसान हो गए और कितना बंदर है, अभी अभी बंदर है कि नहीं, अभी कोई बंदर इंसान बन रहा है? बोले उसी समय ही ये बंदर क्यों इंसान बने, अभी ये बंदर क्यों इंसान नहीं बन रहे हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरुजी कहते हैं कि डार्विन थ्योरी ना ये एकदम बेकार थ्योरी है। इसलिए ये डार्विन मरने से पहले खुद बोल कर गया, बोले ये गवर्नमेंट ने मेरे को जोर जबरदस्ती की थी, तुम इसको प्रूव करके दिखाओ, दिखा दो पहले हम बंदर थे और बंदर से बानर हो गए, बंदर बंदर से इंसान हो गए। वो मरने से पहले ये बात खुद बोल कर गया है। इसलिए हमारे गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, मम इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन, ये गीता कहता है। कहती जगत में जितने जीव है सबके सब मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे सबके सब है। अब बाइबल को ढूंढो, बाइबल में बताया गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, मतलब भगवान ने अपना जैसे उन्होंने ये इंसान को बनाया, ये बाइबल कहता है। अब कुरान पढ़ करके देखो, वहां पर भी बोला अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्हें इंसान को दिया है। इसलिए कृष्ण का फोटो लो, राम का फोटो लो, मिला करके देखो आपका शरीर मिलेगा कि नहीं। राम जैसे, कृष्ण जैसे, उनका जैसे नाक, उनके जैसे हाथ, उनका जैसे प्यार, एक बंदर से मिला करके देखो मिलेगा? एक बंदर से आप मिलोगे? एक समय साइंटिस्टों ने एक बंदर का ब्रेन को उन्होंने इंसान का ब्रेन में लगाने के लिए कोशिश की, लगाते ही ना बंदर जैसे छलांग लगाना शुरू करता था, इंसान भी छलांग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ब्रेन होगा वैसे तो करोगे, उसका एक पार्ट भी अपना इंसान का शरीर में फिट नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोगों ने बंदर से नहीं हुए हैं, हम कहां से हुए, श्री मनु महाराज से हुए हैं। देना सबको पूछो आपका गोत्र क्या है, गोत्र कितना क्या है, बोलो क्या गोत्र है। देना सबका एक एक गोत्र होगा, सबको पूछ लो बोले गोत्र कहां से आ गई। बोले ब्रह्मा जी जब 10 पुत्रों को उन्होंने सृष्टि की, जिस ऋषि की परंपरा से हम आए हैं और वो गोत्र हमारी है, इसलिए ब्रह्मा जी से कृष्ण से हुए। ब्रह्मा जी ने 10 संतान को सृष्टि की ऋषि मुनियों की, और ऋषि मुनियों का जिस परंपरा में हम आए हैं, इसलिए हमारी गोत्र वही गोत्र हमारी हो गई। ये गोत्र तभी आई गोत्र है, इसलिए हम लोग बंदर से नहीं हुए, हम कहां से हुए, हम श्री भगवान से हुए हैं। इसलिए कहते तुमैव माता च पिता तुमैव, और तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्याम द्रविण तुमैव, और तुमैव सर्वम मम देव देव। इसलिए भगवान हमारे पिता माता है। अभी श्री मनु महाराज से 5 संतान हुए हैं, 3 बेटी और 2 बेटे हुए। धीरे धीरे यहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। यहाँ पर श्री कपिल देव की कथा आती है, माता देहूति और कर्दम ऋषि की यहाँ पर शादी हुई। शादी होने पर अभी उसको बाद में फिर भजन में बैठी गई श्री कर्दम ऋषि, और माता देहूति पतिव्रता धर्म को जाजन करते हुए पति की उन्होंने खूब सेवा की। अभी पति भोजन नहीं कर रहे हैं, अभी ये कैसे भोजन कर सकती है। उनकी सेवा करते करते एकदम बूढ़ी हो गई। 10,000 साल के बाद में आंख खोली तो देखा सामने की बूढ़ी बैठी हुई। बोले तू है कौन? बोले आप भूल गए हो, कभी आपने शादी किया था? बोले ओ तू वही देहूति हो
कभी आकुति देहुति प्रसूति जो तीन बेटियां इतने सुंदर थी, इनकी सुंदरता को देख करके देवता लोग भी बेहोश हो जाते थे, लेकिन पति की सेवा करते करते बेचारी एकदम बुरी हो गई। बोले बताओ तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान से आपने क्या मांगा था? जब उन्होंने कठोर तपस्या की, जब भगवान इन पर दर्शन दी, बोले क्या चाहिए? बोले आपके चरण में हमें अचला भक्ति चाहिए। बोले और क्या चाहिए? बोले मेरे मन में तो कोई संसारिक इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा ये सृष्टि बढ़े इसलिए मैं शादी तो करूंगा, लेकिन दो शर्त है। बोले पहला शर्त है तब तक ये संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, उसके बाद में अगर आप बेटे बन करके आओगे फिर तो मैं शादी करूंगा। बोले भगवान बोले तथास्तु। तभी उन्होंने ये संसार घर गृहस्थ में प्रवेश किया है। बोले चाहते हो क्या? बोले भगवान बेटे रूप में आएंगे। तो उन्होंने एक कामक विमान सृष्टि की। देखो पहला जो साइंस है ना, अभी की साइंस से कितने आरभान से है। कामक विमान मतलब जैसे चाहोगे वैसे उड़ेगा, उसमें पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं। भागवत में वर्णना किया वो विमान कितना बड़ा थी। बोले कितने जोजन तक वो विमान थी, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर फूल खिले हुए, जिसमें राज महल है, जिसमें तोते, जहां पर राजहंस मयूर हाँ के क्या कर रहे हैं, जिस विमान में बैठने पर कभी ठंडा नहीं लगेगा, कभी गर्मी नहीं लगेगी, और वो विमान में जो बैठेगा वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी उसको प्यासा नहीं लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी। ऐसे अद्भुत उन्होंने विमान बनाया और उसमें बैठ करके कितने साल तक आकाश में भ्रमण करते रहे, और उनकी औरत से बड़ी सुंदरी सुंदरी प्यारी प्यारी नौ तो बेटी जन्म हुई। कर्दम ऋषि वाले देवती अभी तो खुश होगी, तुम नौ नौ बेटी हो। बोले नहीं, बेटियां तो शादी करके अपना अपना ससुर घर चली जाएगी, मेरे पास में कौन रहेगा? अब भगवान से प्रार्थना किया था ना, अगर आप बेटे बन करके आओगे शादी करूंगा, भगवान तो बेटे अभी तक नहीं बने। उन्होंने बड़ी पति की सेवा की, सेवा की तो स्वयं ठाकुर जी श्री कपिल बन करके आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की। लेकिन उन्होंने भगवान से बताया था तब तक रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, अभी वो संन्यास लेकर जा रहे हैं कपिल मुनि। यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भजन के लिए क्यों जा रहे हो? बोले भगवान को पाने के लिए। बोले भगवान तो तुम्हारी घर में बैठे हैं, ठाकुर जी तुम्हारी घर में ना, अरे तुम घर में भगवान को छोड़कर तुम वन में जा रहे हो। बोले वन में क्यों जा रहे हो तुम? देखो इसकी रहस्य बताए, इसका रहस्य बताए, अगर जब तक हम साधन भजन नहीं करेंगे, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, भगवान सामने आने पर भी हमारा कोई लाभ नहीं है। जैसे रावण, उन्होंने राम को भी दर्शन किए, लेकिन कोई लाभ हुआ है? रावण ने राम को मारने के लिए प्रयास की, एक बार तो शक्ति से लक्ष्मण को प्रयोग की, और एक बार नागभास बंधन में राम और लक्ष्मण को उन्होंने नागभास बंधन में बांध डाले उनको। क्यों? भगवान को देख करके उनका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? कंस ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा है ना, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। शिशुपाल ने कृष्ण को दर्शन की, कृष्ण सामने खड़े, गाली को भरी गाली, कितने गाली, आप गाली निकालोगे ना 8-10 से ज्यादा गाली नहीं निकलेगा। उसने 101 गाली ठाकुर जी को निकाला, ठाकुर सामने खड़े हुए। अभी प्रश्न है, फिर भगवान को दर्शन करके उसका हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कारण कहते हैं, जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, भगवान हमें दर्शन देने पर भी हमारे कोई लाभ नहीं। बोले ये प्रेम कैसे जागेगा? बोले जब तक हम साधन नहीं करेंगे तब तक प्रेम नहीं आ सकता है, इसलिए हमें साधन भजन की जरूरत है। इसलिए घर में भगवान रहते हुए भी उन्होंने भजन करने के लिए चले गए अभी घर में, और नौ नौ बेटी को उन्होंने शादीशुदा करवा दिए। अभी घर में केवल दो व्यक्ति, बेटा और माँ। लेकिन माँ को पता, मेरा जो बेटा ये कोई साधारण नहीं, ये भगवान है। जो ज्ञान है ना, जहां पर ये ज्ञान हो वो सबको सर्वश्रेष्ठ बना देता है। ये विचार नहीं करता है, अरे ये मेरे बेटा इनसे क्या कथा सुने। बेटा अगर सन्यासी बन जाए, कथा सुनाए ना, माँ भी उनको प्रणाम करती है।
इसलिए ज्ञान की इतने महिमा ज्ञान की, जहां पर ये ज्ञान प्रकट होता है उनको ये सर्वश्रेष्ठ बना देता है। स्वयं माँ आकर के हाथ जोड़ करके अपना बेटे को पास में प्रार्थना करते हुए, बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है, अभी बताओ मेरा कल्याण कैसे होगी, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करके उन्हें सारा दुनिया को उन्होंने दिव्य ज्ञान बताया। बोले देख माँ, ये जो मन है ये सब कुछ है, यदि यही मन बंधन का कारण है और यही मन मुक्ति का कारण है। जैसे हमारे 11 इंद्रियां, आज एकादशी है ना, एकादशी मतलब क्या, 11 से है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां और इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर मन इसमें राजा, जैसे मन ने बताया चलो भागवत कथा हो रही है, चलो हम कथा सुनकर गाए, तभी ये सारे इंद्रियां क्या हो, सब के सब कथा में आ गए। अगर अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत कथा सुनने का, घर में बैठे बैठे टीवी देख लो, चलो यार दोस्तों के साथ में घूमाए, पर इंद्रिया क्या करती, उसको पीछे पीछे सब के सब उसको पीछे पीछे चली जाती और कथा में नहीं आती। इसलिए हमारे जो गुरुजी की जो गुरुजी थे वो कहते थे, भैया सवेरे उठो, उठ करके अपना जूती को लो और जूती लेकर ये मन को 100 बार पीटो, ये मन को 100 बार मारो। बोले क्यों? बोले ये मन को समझाओ, बेटा आज सारा दिन भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, गंदे चीज में जाना नहीं, उल्टा सीधा चीज खाना नहीं, भगवान की भजन करना। इसलिए वो कहते थे सवेरे उठो और जूती लो, मन को मारो, क्योंकि मन ही सब कुछ है। ये मन बंधन का कारण बनाएगा और ये मन मुक्ति के कारण बनाती माँ। बोले माँ ये जो चंचल मन है, माँ कहती है बेटा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बोले बेटा ये मन को कैसे लगा ली। बोले माँ ये मन को अगर तुम सत्संग में लगा दोगे यही मुक्ति की कारण बनेगी, अगर ये मन को तुम विषय में लगाओगे फिर ये बंधन का कारण बनेगा। इतने में माँ फिर प्रश्न करती है, बोले तू कहते हो ये मन को सत्संग में लगाओ। बोले हाँ भैया, साधु तो पहचानना भी बड़ा कठिन है, अब सुन सब टीवी में देखते होंगे ना कितने कितने साधु सब जेल में जा रहे हैं। कारण यही है हम लोग ना गीता भागवत नहीं पढ़ते, ये कमी हमारी है, कमी किसकी नहीं है, कमी हमारी है। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में गए केवल बेल को ठन 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 करवाया और 4 बार चक्कर लगा घर में चले गए। आप किसी मुसलमान को देखो, किसी क्रिश्चियन को देखो, वो ऐसे नहीं, वो मंदिर में जाकर के ना अपना बाइबल पढ़ते हैं, अपना कुरान को पढ़ते हैं, इसलिए वो ठगते नहीं है। लेकिन हम लोग सबके सब ठग जाते हैं। हिंदू जो धर्म है, हिंदू लोग तो सबसे अच्छे हैं, इनका हृदय बड़े कोमल होता है भक्ति में स्वाभाविक रूप में, लेकिन हम ठग रहे हैं क्यों? कारण है हम गीता पीता भागवत भागवत से कोई मतलब नहीं। अगर घर में गीता भागवत हो ना, उसको बांध करके क्यों ऊपर रखा हुआ होगा, उसको आरती उतारते हैं। मैं गया था अभी कथा करने के लिए जयपुरी में, एक मुसलमान एक 5 साल का एक बच्चे को देखा, मैंने पूछा तू तेरे को कुरान आता है, वो छाती फुला करके बताया हाँ मेरे को कुरान आती है, उसने झटाझट कुरान बताया, सारी कुरान बोला। मैंने पूछा भैया कितने साल उम्र में तुमको ये कुरान पढ़ाया जाता है, कहते हमारी धर्म में 2 साल उम्र में कंपलसरी उसको कुरान उसको सिखाएंगे, 2 साल उसको जरूर उसको कुरान उसको पढ़ाएंगे ही 2 साल उम्र में है। लेकिन हमारे बच्चों को देखो, कौन हीरो किसी हीरोइन का नाम बताओ, सब याद है, लेकिन बोलो गीता हमारी मूल ग्रंथ है, किसको गीता का कोई एक श्लोक याद है? बोलो किसका गीता को कोई एक श्लोक भी बोल सकते हो? नहीं। जितने गंदी गंदी बात देखना ना, सारे जितना हीरो हीरोइन सब एक्टर जितनी उल्टा पुल्टा चीज को दिमाग में, और बच्चे को स्मार्टफोन पकड़वा देते हैं, 20-20 हजार के स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं, लेकिन बच्चे को नहीं कहते तू एक माला कर, नहीं तो थोड़ी गीता पढ़। देखो अभी आज पेपर में मेरे को कोई दिखा रहे थे, शायद नोएडा का ना कि गुड़गांव की घटना है, नोएडा का कोई बच्चा कोई कंप्यूटर में कोई क्रिमिनल सब तरह तरह का किया था, क्रिमिनल किसके गेम आती है ना, वो बच्चा कोई क्रिमिनल गेम देख रहा था, बहुत उसमें आविष्ट होकर ध्यान देकर सुनो, अब न्यूज पेपर में मेरे को आज दिखा रहे थे। इतने में उसको मैया ने देखा, इतने आविष्ट उसमें हुई, उसको मैया उसको छीन ली, छीन ले तो कितना 14-15 साल का बच्चा वहां पर घर में
जो क्रिकेट खेलते हैं ना उसका बैट था, उसको उसने उठाया और मैया को ऐसे मारी, मारते मारते मैया को खत्म कर दिया। घर में बहन, छोटी बहन थी, उसने चिल्लाई चिल्लाई तो उसको भी उसने पिटाई किया। पिटाई करते माँ और बेटी अपना बहन दोनों को मार करके घर से लाख रुपया लेकर भाग गया। अभी तो वो पकड़े में नहीं आ रहा है वो कहाँ गया। हम बच्चे को 20-20 हजार रुपया की, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा बिगड़ता है, किसमें बिगड़ता है, किसमें बिगड़ता है, मोबाइल में। लेकिन हम उसको 20-20 हजार रुपया की कंप्यूटर और उसको स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन कभी बोलते नहीं तू एक गीता याद कर और एक माला जप कर। बोलते हो घर में बच्चों को? हम सब जगह में जाते हैं, पहले पहले देखना जितने बड़े बूढ़ों को देखो, सबसे पहले सवेरे उठ करके जैसे भगवान राम प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता, पहले रामायण पढ़ते थे, इसलिए इनको ये बात पता था। सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो, गुरुजन की चरण छो। अभी कोई बच्चा करता है? किसको पूछो, कोई करता है घर में? हर जगह में हम जाते हैं, कहते बच्चे हमारे बात नहीं सुनते। हमारा बच्चे बोल तो किसका बात तुम्हारी बच्चा सुनता है? किसी का भी पिता माता का बात नहीं सुनते। इसमें गलती किसकी है? ये गलती हमारी गलती है। पहले तो गुरु पिता माता है, पहला गुरु पिता माता है। अगर पिता माता भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हैं, तब तो बच्चों का अंदर में तभी तो वो संस्कार आएगी। खुद भजन भजन से कोई मतलब नहीं, खुद गंदी गंदी टीवी खोल करके उल्टा पुल्टा पिक्चर देखती है, ये बच्चों को संस्कार कहाँ से पड़ेगी? ये बच्चे तो पहले पिता माता, पहला गुरु तो पिता माता है ना। इसलिए हमें इस विषय पर सावधान रहनी चाहिए, हैं, इस विषय पर सावधान रहनी चाहिए। हमें गीता भागवत पढ़ो, देखो गीता की कितने महत्व है। महात्मा गांधी जो स्वयं कहता था, जब मेरे अंदर में कोई खटका लगती थी, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था, महात्मा गांधी खुद कहता है, मैंने एक गीता खोल कर पढ़ता था, और गीता में ऐसे कोई आंसर नहीं जो गीता में उसका आंसर है ही नहीं। कोई भी मन में कोई शंका आ जाए, अब गीता खोल कर पढ़ दो, देखना सारे शंका तुम्हारी दूर हो जाएगी, सारे प्रश्न के उत्तर है, हैं, सारी प्रश्न के। देखो ये गीता ग्रंथ की कितने महत्व है। विदेश में अपने सही घटना बोलता हूँ, विदेश में एक व्यक्ति अमेरिका में इतने डिस्टर्ब हो गया, सोचा मैं प्राण त्याग दूंगा, ये प्राण त्याग दे दूंगा, इसने सुइसाइड करूंगा, इसलिए ध्यान में रस्सी लगाकर सोच रहा था आज मैं मर जाऊंगा। इतने में एक दिन जब वो एयरपोर्ट से आ रहा था, इस्कॉन से कुछ भक्त लोग गीता बेच रहे थे, बोल रहे थे गीता लो, बोले नहीं, दूसरा एक साथ में 10 व्यक्ति अलग अलग जगह पर खड़े हुए थे, बोले गीता लो, बोले नहीं गीता लो नहीं। देखा रास्ता में लाइन करके खड़े हुए, बोले कितना नहीं नहीं बताऊंगा, एक गीता ही ले लेता हूँ। उन्होंने $1 दे करके एक गीता को उन्होंने खरीद कर ली। जब एक व्यक्ति बोला गीता, बोले आई हैव, मेरे पास में गीता है, उसने ला करके वो गीता को ड्रम रख लिया। अभी सोच रहा है मैं आज सुइसाइड करूंगा, इतने में सोच रहा था सुइसाइड करूंगा, जो ड्रम में वो गन रखा हुआ था, बंदूक रखा हुआ था, जब वो ड्रम को निकाला, वो जब उन्होंने हाथ लगाया, वो उसमें बंदूक नहीं आकर के देखा एक गीता है। उसने वो गीता को निकाला और खोल करके पढ़ा। जब पढ़ा देखो गीता में क्या ज्ञान है, उसमें गीता में ये लिखा हुआ था, ये शरीर हम नहीं है, ये आत्मा है। और ये आत्मा क्या है, जैसे हम कोई पुरानी वस्त्र छोड़ करके कोई नया वस्त्र धारण करते हैं, ये आत्मा ऐसे ही एक शरीर से दूसरे से ये तीसरी जीवन को धारण करता है। लेकिन जो आत्मा न जायते न मृियते अजो नित्य शाश्वत, ये आत्मा, ये आत्मा कभी मरती नहीं। जो उसने इसमें नई नई बात उनके लिए, विदेश लोगों के लिए, उसने तो गीता पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते गीता में ये लिखा हुआ था, हम तो जीवन में शांति सुख चाहते हैं, लेकिन हमें शांति सुख क्यों नहीं मिलता? कारण है, जहां शांति सुख ढूंढनी चाहिए, हम गलत जगह पर शांति ढूंढ रहे हैं। हम सोच रहे हैं शायद ये जगत में प्रेम करने पर शायद शांति मिलेगी। ये स्वयं कृष्ण कहते हैं, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है ये संसार, तुम्हें सुख कहां से मिलेगी? हाँ, अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जो सुख स्वरूप, जो आनंद स्वरूप है, वो भगवान है। जब तक उनकी शरण में नहीं जाओगे, तुमको शांति नहीं मिलेगा। वो सुइसाइड क्या करेगा, वो रात भर गीता को पढ़ते रहा, गीता पढ़ते पढ़ते उसने मरना बंद कर दिया। उसने ढूंढा, भैया ये ग्रंथ आया कहां से, उसमें एड्रेस था अमुक जगह से, फिर एड्रेस ढूंढते ढूंढते गया, देखा वहां पर कुछ साधु लोग है, इस्कॉन के साधु लोग थे,
उनको उन्होंने प्रश्न किया और सब प्रश्न का उत्तर उसको मिला। उसने अपना घर छोड़ करके हम जैसे वस्त्र पहनते ना, उसने ऐसे संन्यास वस्त्र धारण किया। लास्ट में उसने संन्यास लेकर के संपूर्ण पृथ्वी में ये सनातन धर्म को, ये अंग्रेजी होते हुए भी हमारे गीता को सारा जीवन अभी भी वो प्रचार कर रहा है संपूर्ण पृथ्वी में। देखो जो मरने जा रहा था, गीता एक बार उसने गीता पढ़ लिया तो उसने प्राण दे दिया और सारा जीवन उन्होंने गीता धर्म को प्रचार किया उसने। देखो ये हमारी ग्रंथ में कितनी अच्छी अच्छी चीज है, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए। आप देखो इंडोनेशिया में वहां रामायण पढ़ाया जाता है, मुसलमान कंट्री में, अमेरिका यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। लेकिन जैसे पानी में मीन प्यास रहती है ना, हम हिंदू होकर के अपना धर्म अपना ग्रंथ में हमारा कोई रुचि नहीं। जितने घर में देखो जितना नाटक नोवेल गंदी गंदी सब उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइन का पिक्चर घर में पड़ा हुआ होगा, पुस्तक पड़ा हुआ होगा, हमारे घर में कोई गीता भागवत तो कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, गीता रामायण ग्रंथों को हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए आज भगवान स्वयं अपना भक्तों का उन्होंने लक्षण बताए, बोले भक्तों का क्या लक्षण है, बोले तिथि सब कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम अजात संद्रव संता साधु भी साधु भूषण। बोले माँ संतों का पहला जो गुण है तितिक्षा, मतलब होता है सहन शक्ति है, बड़े दयालु होते हैं और वसुधैव कुटुम्बकम सब जीव को मानते हैं, हम सबके सब एक परिवार के एक पिता के ही हम सबके सब संतान हैं, जगत में जिनका कोई शत्रु नहीं होते, बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। बोले माँ संतों की एक विशेष गुण है, बोले क्या विशेष गुण है, भाई मई अनन्य भावे में भक्ति कुर्बंध के बिना, वो अनन्य रूप में मेरी एकांत रूप में मेरी भक्ति करते हैं, एकांत रूप में मेरी भजन करते हैं। भगवान की भक्ति हमें एकांत रूप में भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। ऐसे उन्होंने सुंदर सुंदर उन्होंने माँ को दिव्य ज्ञान बताई। बोले माँ गर्भ में जो बच्चे का 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान आ जाता है और वो देखता है, बोले माँ गर्भ में आना और नरक में आना बराबर है, वो देखता है कहाँ नरक में मैं पड़ा हुआ हूँ। हजार हजार जन्म के बाद उसको याद आता है, पहले पहले जन्म में मैंने कैसे कैसे पाप करते हुए आए, लेकिन सबके सब सुख का समय तो सब थे, लेकिन ये पाप का फल तो कोई नहीं ले रहे हैं, मेरे को अकेला लेना पड़ता है। कहते ठाकुर जी हमें जल्दी से जल्दी ये नरक से निकाल दो। बोले क्या करोगे बताओ क्या करोगे, बोले इस बार एक बार केवल जन्म दे दोगे ना, फिर ये झूठे संसार में मैं कभी नहीं फंसूंगा, उठते बैठते सोते तेरा नाम लूंगा, तेरे भजन करूंगा। बोले सही सही बता रहे हो, बोले मैं सही सही बताता हूँ, बोले अगर भूल जाओगे तो, बोले तेरे को बीच बीच में वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे, बोले जब एक बाल पक जाए ना, ये मेरे फर्स्ट वार्निंग है, देखना बाल जब पकता है ना कान को पास यही से पकता है, बोले कान में पहला बेल पड़ गया। बोले भगवान से बोल करके आया था ना, भजन करोगे हरिनाम करोगे, कितने माला करते हो और कितने समय टीवी और गंदी गंदी उल्टी सीधी बात करते हो, लेकिन हम क्या करते हैं एक बाल पक जाए उसको उखाड़ देंगे, अगर दूसरा बाल पक गया फिर उखाड़ देंगे, तीसरा बाल पक गया उखाड़ देंगे, अगर ज्यादा हो गया तो फिर मेहंदी लाकर कलर कर देते हैं, थोड़ी अभी बूढ़े है और बूढ़ा बूढ़ी कुछ नहीं हुई। भगवान बोले दूसरा वारने की भी दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले आंख में देखना कम हो जाएगी, आंख में बढ़िया चश्मा लगा देते। बोले तीसरा वारने की दूंगा। बोले क्या दोगे, बोले एक एक कर दांत तोड़ना शुरू करूंगा और जब पूरा दांत टूट जाए फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा देते हैं, फिर खिलखिलाकर हंसते, बोले हमारा कुछ नहीं हुआ है, उसको काट काट कर खाते हैं नोच नोच करके। फिर उसको एक बैतरणी नदी पार करना पड़ता, जो नदी बोले टाटी पेशाब और खून पी का होता है, उसको पार करने के लिए उसको 13 दिन लगती है, इसलिए देखना 13 दिन के बाद में हम शुभ क्रिया करते हैं, पवित्र 13 दिन के बाद में करते हैं। बोले क्यों, बोले वो नदी पार होने के लिए उसको लगता है 13 दिन लग जाती है, इसलिए कोई कोई कहते हैं ना गैया दान दे दो जल्दी जल्दी तुम्हारी उधार हो जाएगी, जल्दी जल्दी पार हो जाएगी, और उसको मार मार करके नदी उसको पार करना पड़ता है।
उसको बाद में फिर उसको नरक में लेकर के जैसे जैसे कर्म करता है उसको ठीक वैसे वैसे उसको फिर कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं माँ ये सब किसको भोगना पड़ता है, बोले जो भगवान के भजन नहीं करते उनके लिए, अब जो भक्ति करते हैं उनके लिए इसमें कोई सजा नहीं है। लेकिन भक्ति करने का लक्षण क्या है, कि देखो शरीर में तीन अगर तुम्हारे चिन्ह हो ना आप कभी भी नरक नहीं जा सकते, कभी नरक नहीं। ये जम महाराज दूतों को कहते हैं, बोले तीन चीज क्या है, देखो ये जम महाराज कहते हैं, बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठे नास्ती त्रिकंठिका हृदय नास्ती गोविंद सनर ब्रह्म राक्षस। जब महाराज कह रहे हैं जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अब अगर आप विदेश जाना चाहोगे अमेरिका नहीं तो फ्रांस नहीं तो रशिया, आपके पास में तीन चीज की जरूरत होती है, पहला चीज पासपोर्ट, दूसरे चीज कहते वीजा और तीसरे चीज टिकट में पैसा। अगर ये तीन चीज होना फिर तो आप विदेश जा सकते हो इसी दुनिया में। अगर तुम भगवान के पास में जाना चाहते हो ना कहते तो भैया ये तीन चीज की जरूरत है, पहला नंबर क्या पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट क्या, बोले गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, कहते ये पासपोर्ट तुम्हारी है। इसलिए जब महाराज कहते हैं जिनकी गले में तुलसी की कंठी देखो ना समझना ये भगवान का आश्रय लिए हुए है, ये तुलसी साधारण नहीं ये स्वयं माँ लक्ष्मी है। भगवान जब ये दुनिया छोड़ कर गए ये तुलसी में अपना स्वरूप कर गए, गले में कंठी मतलब है कृष्ण और राधा रानी दोनों की निवास हो गई गले में। प्रश्न है हम गले में क्यों धारण करते हैं, देखो इसका साइंस ही सुनो, हम गले में ये तुलसी कंठी क्यों धारण करते हैं, कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है, अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है इधर से, इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो गले में पहनाते हैं। अगर ये तुलसी क्या है साक्षात लक्ष्मी नारायण, और इसमें बहुत सारी इसमें मेडिसिन है बहुत सारी इसमें दवा है, इसलिए कोई भी गंदी चीज आए तो ये जो तुलसी ये अंदर में घुसने नहीं देती है। इसलिए जब महाराज कहते हैं देखो दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता, और जो पालतू कुत्ते हैं गल में पट्टा बंधा हुआ रहता है देखने से पता चलता किसी ये घर की कुत्ते है, और जो गल में पट्टा नहीं वो कौन है कहते ये फालतू है। देखना पालतू को कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं, इसलिए गला में हमारे तुलसी की कंठी होनी चाहिए। बोले दूसरी चीज क्या, बोले भीजा हो, बोले भीजा क्या है, बोले ये तिलक है, ये तिलक जरूर होनी चाहिए। देखना आप लोग तो हिंदू है, जैसे कोई बच्चा अच्छे बिजनेस में जा रहा है कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम उसको क्या करते हैं उसको तिलक लगा कर भेजते हैं, बोले बेटा ये तुम्हारी काम हो जाए, ये विजय का चिन्ह है। घर में जैसे ब्राह्मण पूजा करवाना आएगा पहले क्या करेगा तिलक लगा करके फिर पूजा करेगा, तिलक के बगैर ब्राह्मण कोई भी पूजा नहीं करता है। बोले क्यों, बोले तिलक के बगैर पूजा संपूर्ण निष्फल हो जाता है, इसलिए ये तिलक की बड़ी महत्व। आप कृष्ण को देखो राम को देखो हनुमान को देखो नारायण को देखो ठाकुर भी ये तिलक धारण करते हैं, हमारी बात छोड़ दो ये तिलक की बड़ी महत्व है। जैसे आप सधवा स्त्री है हमें कैसे पता चलता तुम सधवा स्त्री हो, मांग भरती हो सिंदूर लगाती हो शंखा पहनती हो पता चलता ये सधवा है, हैं? ये जगत का पति कर लिए तो इतने सारे धारण कर लिए, लेकिन तुम्हारे जो असली पति है एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर जो पति है उसके लिए आपने क्या करते हो, इसलिए तिलक हमारी जरूरत है। और जो तीसरा चीज है बोले टिकट, टिकट मतलब पैसा होनी चाहिए, बोले पैसा क्या टिकट है, जो टिकट है भगवान की नाम है भगवान की भजन है, इसलिए ये टिकट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर जब महाराज कहते हैं जिनके पास में ये तीन चीज होगी ना वो कभी नरक नहीं जाएंगे, वो सीधा ठाकुर जी के पास ले जाएंगे। अगर कोई गलती अगर वो करेंगे तो जब महाराज कहते मैं विचार नहीं कर सकता हूँ वो विचार ठाकुर जी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सबके सब भगवान की नाम कंठी माला और तिलक सबको धारण करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
यहाँ पर बावन दल को बनाया ना, बन गया क्या? रेडी है? हाँ देखो, कृत भागवत में श्री अजामिल की कथा था। ये अजामिल बहुत बड़ा पापी था, अपना पत्नी को त्याग दी और उन्होंने सुद्रानी को साथ में रहा, उसको हाथ में अमृद्ध कुमृद्ध खाया, लेकिन उसने किसी तरह से अपना छोटा बेटा का नाम रख दिया नारायण। अभी छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, अभी हर बात बात में बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ बेटा, नारायण बेटा मेरी गोद में आ जा, नारायण तू कहाँ हो, जैसे माला जप करते हैं ना, उसको जैसे माला जप हो गया। अभी हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य से, ये तीनों से कर्म करते हैं, इसलिए अंतिम समय में तीन जमदूत उसको लेने के लिए आते हैं। अभी उसने जमदूत को देख करके इतने डर गया, उसने दूर में देखा बच्चे को खेलते हुए, उसने जोर से बुलाया बेटा नारायण, ये कितना अक्षर हुआ, ना रा या न, ये चार ही अक्षर है। इतने में चार वैकुंठ से विष्णु दूत आ गए, बोले माँ भय कोई डरने का बात नहीं, हम तुमको रक्षा करने वाले हैं, चिंता मत करो। अभी उसको प्राण को ले जा रहे तो अभी बच गया, और दोनों तरफ में दोनों आए, दोनों के अंदर में बड़ी लड़ाई जुटी हुई। जमदूत कहते हैं हम ले जाएंगे और विष्णुदूत कहते हैं हम ले जाएंगे, वो अभी सुन रहा है। इतने में विष्णुदूत ने कहा भैया तुम लोग है कौन, बोले हम धर्म राजा के दूत हैं। बोले धर्म राजा के, धर्म का नाम पर अधर्म कर रहे हो। जमदूत ने कहा आपको पता है ये कौन, ये पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना पत्नी को त्याग देकर के वेश्या को साथ में रहा, उससे 10 बच्चे जन्म दिया, डाकू गुंडागिर्दी घर में आग लगाना सारे पाप कर्म किया, वो सीधा नर्क जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया इन्होंने पाप तो किया, कुछ पुण्य भी तो की। बोले क्या पुण्य की, बोले अभी जो भगवान का नाम लिया नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो और मरने से पहले एक बार नाम ले लो, हो गया। तो विष्णु दूत कहते हैं बोले तुम लोगों को क्या भगवान के नाम की महिमा तुम्हें क्या पता, भगवान का नाम में इतनी शक्ति जैसे रुई का एक ढेर हो, ये तो भूसा का एक ढेर हो, उसमें अगर एक आग की चिंगार गिरे ना तो जला करके राख कर देता है, क्योंकि भगवान का जो नाम है हरि से बड़ा हरि का नाम है। उसने जब सबसे पहले अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था, उसी समय में सारे पाप उसको नष्ट हो गए थे, और उसने जो बारंबार बच्चे को नारायण नारायण बोला वो हो गया जिसे माला जप करते हैं। और जो अंतिम समय में उसने जो नारायण का जो नाम लिया, ये भगवान की विशेष कृपा। फिर जमदूत कहते हैं बोले भगवान का नाम कब लिया, वो तो अपना बेटे को बुलाया था, अपना बेटे को बुलाया भगवान को नहीं बुलाया था। बोले जो बेटे को बुलाया वो नाम किसका है, बोले भगवान का नाम उसको धराया गया था, लेकिन नाम किसके है, वो ठाकुर जी का नाम है। तो विष्णु कहते हैं भगवान का जो नाम है चार ही तरह से जीव का कल्याण करते हैं। बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन नवेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषम अकहरम विदु। पहला नंबर है सांकेत्यम, जैसे बच्चे का नाम कृष्ण गोविंद नारायण रख लिया, अगर उसको बारंबार बुलाते उसको संकेत कहते हैं। इसलिए आप देखना जितने बड़े बूढ़े को नाम पूछो सब भगवान का नाम होगा। इसलिए पहले सबके सब जितने माताओं का नाम पूछो, गीता सीता ललिता विशाखा सावित्री होगा, जितने बड़े बूढ़ों को देखने, अभी सारे बच्चों को पूछो टुल्लू टिंकी फिंकी, और जितने विदेश में जितने कुत्तों हैं ना, इसे कुत्तों का नाम बच्चों का नाम धरवाते हैं। कहते मैं कहीं गया था, अभी मैं कहीं कथा प्रचार करने के लिए गया था, मैंने कहा इसका भगवान का नाम रखो, तो उन्होंने बोले पहले कोई अक्षर निकाले, जब अक्षर निकाले मैं ठाकुर का नाम करना चाहते, वो किसी तरह से रखना नहीं चाहते। बोले बाबा ये सब पुराना नाम कृष्ण गोविंद दामोदर, अभी सब अंग्रेजी से पढ़ने ना, ऐसे नाम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उसका ऐसे नाम रखो। उन्होंने कहा देखो बच्चों इसका कल्याण चाहते कि नहीं, तुम्हारी कल्याण चाहते कि नहीं। बोले हाँ। बोले जितना बार तुम्हारी मुंह से भगवान के नाम निकलेगा उतना बार उसको कान में ठाकुर का नाम सुनाई पड़ेगा, जहां पर भगवान के नाम गूंजे वो घर का भी पवित्र हो जाता है, तुम्हारी जीवा पवित्र हो जाती है, बच्चे का भी कल्याण होता है। आप लोग वृंदावन में कभी जाना, वो वहाँ इस्कॉन मंदिर है, देखना छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको सब नाम पूछ कर देखना कृष्ण गोविंद दामोदर, हम लोग तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते, नहीं
वो राधे राधे हरे कृष्ण कहते कौन, ये अंग्रेज लोग। पहले अंग्रेज लोग आए थे हमारा देश का सारे धन को लूट करके लेके गए, अभी अंग्रेजी आए क्या लूट रहे जानते हो, हमारी भक्ति को ये लूट रहे हैं। और हमारा देश का जो लड़का लड़की वो जीन्स पहनने के लिए सरकार से लड़ाई करते हैं, हम लोग रशिया जाते हैं वहां की लड़की साड़ी पहनने के लिए सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, कहते हम साड़ी पहन करके कॉलेज क्यों नहीं जाएंगे, और हमारा देश में कहते हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाएंगे। इसलिए वो लोग ये भोग से नफरत होकर के ना देखा भैया शांति सुख हो तो प्रभु की प्रेम में, भगवान की भक्ति में ही शांति सुख है और कहीं ये शांति सुख नहीं है। इसलिए हम अपना बच्चों को उल्टा पुल्टा नाम नहीं रख करके, पहले ज्योतिष को पास में जाओ, कोई अक्षर निकालो, वो अक्षर को पहले रखो, पहले रख करके कोई भगवान का नाम हो नहीं तो किसी भक्त का नाम हो, ये नाम को रखो जिसमें बच्चे का भी कल्याण और जिसमें हमारे भी कल्याण। लेकिन अभी क्या करते हो जानते हो, पहले तो हर व्यक्ति ज्योतिष को पास में जाता था, ब्राह्मणों को पास में पूछता था इसका नक्षत्र में इसी समय पर जन्म हुआ, इसका हम नाम क्या रखे। लेकिन अभी कोई नहीं करते, अपने मन में जो आया ना, अपना मन में जो आता है वही नाम रख लेते। देखो ध्यान देकर सुनो, आप लोग मन लगा रहे चीज को सुनो। मैं गया था कथा करने के लिए रोहिणी, मैंने जब ये सब कथा बोल रहा था ना, कथा के बाद में एक माता जी मेरे पास में आए, बोले बाबा आप सही बता रहे हो। बोले क्या सही, बोले मेरी दो बेटी है, मैंने कोई ज्योतिष वस्तु के पास में गया नहीं, अपने आप नाम रख लिया। आपको पता होगा शादी से पहले जन्मपत्री मिलाते हैं, ठीक नहीं, उनका जन्मपत्री कुंडली मिलाते हैं। हमने मिलाने के लिए कोशिश की लेकिन कोई ज्योतिष से हम पूछा ही नहीं, मनमानी का नाम रख दिया, मिला ही नहीं कोई ज्योतिष, कोई जन्मपत्री मिली नहीं। बोले कोई बात नहीं शादी कर दो। जब शादी करके बेटी गई घर में, महाभारत ससुर घर में इतने लड़ाई, दोनों बेटी वापस आकर घर में बैठी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो नियम रखा सब साइंस है, ये सब विज्ञान है। हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, जैसे कोई मशीन होता है देखना, उसको साथ में एक मैनुअल होता है, ये मशीन को कैसे आप चलाओगे, अगर बगैर पढ़े हुए अगर चलाओगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए दुनिया जब ठाकुर ने बनाया ना, उन्होंने एक मैनुअल भी दिया है, बोले क्या, वेद है, गीता है, रामायण है, दुनिया प्रभु ने बनाया और उन्होंने ही गीता भागवत रामायण को बनाए हैं। अगर उसको पढ़ करके चलोगे ना, समझो जीवन में शांति और सुख में रहोगे। अगर मनमानी चलोगे कभी सुखी शांति रह ही नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने बेटा का नाम क्या रखा, नारायण रखे। मतलब किसी तरह से अगर प्रभु का नाम ये जिह्वा में उदय हो जाता है, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए विष्णु दूतों ने जम दूतों को मार मार कर भगा दिए उन्होंने, और उन्होंने वो अजामिल को उन्हें रक्षा कर लिए। अजामिल देखा, हे भगवान मैंने बेटा का नाम कैसे भूल में नारायण रख लिया, और मरते समय कैसे मैंने भूल में उच्चारण किया तो इसकी इतने महिमा उसकी, मरे नहीं। फिर उन्होंने हरिद्वार में गए, फिर उन्होंने भजन की, जब भजन समाप्ति हो गई देखा बैकुंठ से फिर वही चार दिन तो आज उतर कर दी, बोले रथ में बैठो और बैकुंठ में ले चलो, और उनको उन्होंने बैकुंठ में ले गए। इसलिए भागवत में बताया भगवान के नाम की कितने महिमा है। इसलिए सबके सब बच्चों का नाम ठाकुर जी का नाम पर धराओ। अगर ठाकुर का नाम नहीं धराया होगा ना, अब मेरे पास में आना, बताना उसका पहला अक्षर क्या है, फिर हम ठाकुर का नाम धरा देंगे। और हमारे हमारे ज्योतिष प्रभु बैठे हुए, दामोदर प्रभु जी बैठे हुए हैं, अगर इनको पास में जाओगे, वो यही का बेटा है, अगर इनको पास में जाओगे ना, फिर बताएगा तो फिर बता देगा, फिर पहला अक्षर रख करके तो मेरे को भी पूछ लेता है, महाराज जी ऐसे अक्षर निकला क्या नाम है, फिर हम बता देते हैं, ठीक है। और विशेष करके जिसका नाम पहले जो हो गया, लेकिन जब हम फिर हरिनाम देते हैं किसको, जब हमारा पास में हरिनाम लेने आता है ना, फिर हम तो पहला अक्षर को रख करके कोई फिर ठाकुर जी की नाम को हम भरा देते हैं, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज देखो आज एकादशी तिथि है, एकादशी सबके सब रखे हो, एकादशी कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो, करी करी आप लोगों ने सबके सब कथा सुन करके आप लोगों ने एकादशी व्रत रखे हो। एकादशी की बड़ी महिमा है, मैंने कल इस विषय पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताया था,
अभी हमारे प्रभु जी भी आपको थोड़ी सी कथा साइंटिफिकल रीजन कुछ बताएंगे, आपको मैं थोड़ी सी और कथा सुना देता हूँ। ये एकादशी व्रत कब से रहा है, बोल एक दिन भगवान कृष्ण नारद जी को साथ में जा रहे थे, हठात उन्होंने रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बोले नारद जी हम कहाँ आ गए, इतने जोर से कौन रो रहे हैं। बोले ठाकुर जी हम तो घटघट वासी सब जानते हो, अभी हम नरक को पास में आ गए। बोले चलो हम चलते हैं। वहां पर देखा जो जैसे जैसे कर्म करता था उसको ठीक वैसे ही 84 जो नरक बना हुआ 84 नरक में उसको वैसे ही सजा दिया जाती है। जो जैसे जैसे जो मांस मछली को काटते थे उनको जिंदा जिंदा करक में काट रहे थे। जो तेल में गर्म तेल में मछली को छोंक लेते हैं जैसे पकौड़ा बनाते उनको भी गर्म तेल में से छोंक रहे थे। जो व्यक्ति शराब पीते थे उनको लोहे गर्म करके मुंह में डाल रहे थे। जो हाथ में हेर फेर करता था उसको हाथ काट लेते थे। वो सब चीख रहे थे बचाओ और नहीं करेंगे छोड़ दो छोड़ दो। बोले तुमने कभी छोड़ा था, तुमने तो मजा लिया अपना कर्मा पाप अपना बाखूबी नहीं छोड़ती है। कृष्ण जब ये सब चीज को देखे इतने जोर जोर से चीख रहे थे बचाओ और नहीं। भगवान कृष्ण जब वहां पर गए और प्रभु का दर्शन करते करते जितने जीव सब मुक्त होकर वैकुंठ चले गए। जब वैकुंठ चले गए इतने में कृष्ण ने कहा नारद जी आज कौन सा तिथि है। बोले प्रभु आज एकादशी तिथि। बोले जाओ तुम बिना बजाते हुए सारा दुनिया में प्रचार कर लो, भगवान का निर्देश है जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखेगा वो कभी नरक नहीं आएगा। नारद जी बिना बजाते हुए सारा दुनिया में प्रचार कर दिए, ठाकुर का आदेश है जो एकादशी व्रत रखेगा उसको कभी नरक आना नहीं पड़ेगा। सबके सब एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। एकादशी मतलब 11 है, हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और इनका राजा मन है। कहते एकादशी का दिन एकादश इंद्रियों को द्वारा क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे श्री अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, उन्होंने सारे इंद्रियों को उन्होंने ठाकुर को सेवा में लगा दिए थे। बोले हाथों के द्वारा ठाकुर की मंदिर मार्जन करते थे, बोले जीवा के द्वारा ठाकुर का कीर्तन करते थे, कानों में ठाकुर जी की कथा सुनते थे, प्यार में तुलसी परिक्रमा मंदिर परिक्रमा करते थे और अपना सर को ठाकुर जी के चरण में झुका देते थे। संपूर्ण एकादश इंद्रियों को उन्होंने कृष्ण सेवा में भगवान की सेवा में लगा कर रखे थे। इसलिए भगवान संतुष्ट होकर के वो स्वयं राजकार्य नहीं करते थे, मंत्रियों को दे करके राज्य कार्य करवाया करते थे, लेकिन स्वयं एकादश इंद्रियों को द्वारा भक्ति करते थे। और भगवान संतुष्ट होकर के उन्होंने श्री सुदर्शन चक्र को भेजा। बोले हे सुदर्शन चक्र ये राजा दिन भर मेरे भजन में लगा हुआ है, तुम इसी राज्य को तुम ही रखवाली करना। इसलिए सुदर्शन चक्र स्वयं उनके राज्य को रखवाली सुदर्शन चक्र करता था। इसलिए कभी दुर्वासा जी उनको व्रत को नष्ट करने के लिए कभी आए, एकादशी की इतने महिमा ये सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी को पीछे पड़ गए। ये दुर्वासा जी कौन थे, बोले ये थे भगवान शंकर जी की ये अवतार है। लेकिन एकादशी की इतने महिमा जब ये सुदर्शन चक्र उनको पीछा किया, उसने ब्रह्मा को पास में गए, ब्रह्मा भी नहीं बचाए, उन्होंने शंकर जी को पास में गए, शंकर भी नहीं बचाए, लास्ट में उन्होंने भगवान नारायण को पास में गए, नारायण ने भी उनको रक्षा नहीं की। बोले देखो प्यार में अगर कांटा गड़ जाए ना वो सर पर नहीं निकलता, प्यार से निकलता है। तुमने अपराध अम्बरीश के चरण में की, उनके चरण में जाकर के माफी मांगो, फिर उनको इनकी चरण में आकर के उनको माफी मांगना पड़ा। ये एकादशी की इतने महिमा। अभी सबके सब एकादशी व्रत करना शुरू की, अभी जो पाप था वो बड़ा दुखी हो गया। बोले जिस घर में जाओ उसी घर में बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल राधे राधे घर में प्रभु का कीर्तन नहीं हो वो दुखी होकर के ठाकुर जी को पास में आए बोले ठाकुर जी मेरे को जान से खत्म कर दो। बोले क्यों? बोले आप ऐसे एकादशी व्रत रखवाया और सबके सब एकादशी व्रत रख रहे हैं कीर्तन में कर रहे हैं जहाँ पर हरि कीर्तन तुम्हारी एकादशी हो उसी घर में मैं प्रवेश नहीं कर सकता हूँ मेरे को कहीं स्थान दो नहीं तो जान से खत्म कर दो। बोले ठीक है तेरे को मैं स्थान देता हूँ एकादशी का दिन अन्न में तुम आश्रय कर लिया इसलिए एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करेगा उसमें विशेष करके बताया पद्म पुराण में पांच विशेष करके महापाप है कहते तो गो हत्या ब्राह्मण हत्या पितृमातृ हत्या ब्रह्म हत्या इसको सबसे ज्यादा खतरनाक पाप बताया। बोले एकादशी का दिन तुम अन्न में रहना जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा तो उसको शरीर में प्रवेश करना इसलिए एकादशी का दिन हमें पांच रवि सस्य नहीं खानी चाहिए जैसे आटा गेहूं से जो कुछ बनता है हाँ? गेहूं से जितने सारी चीज गेहूं में बनती है जौ है जितने तरह का दाल है सरिसों है ये सब चीजों का हमें एकादशी का दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए और जितने सारी चीज खा सकते हो फल मूल दूध दही आलू का सब्जी काशी फल पपीता और शक्करकंदी और बहुत सारी सब्जी है उसको सब्जी बनाकर खा सकते हो इसलिए आज भी आपको यहाँ एकादशी की प्रसाद आपको मिल जाएगी इसलिए एकादशी का दिन ये अन्न में ये सारे पाप रहता है इसलिए एकादशी का दिन हमें ये व्रत पालन करनी चाहिए। मैंने कल बताया था ना एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है कल्पतरु मतलब जो मांगोगे एकादशी व्रत करते हुए कल मैंने बताया था एक एकादशी का नाम सफला जो वो एकादशी को करते है जीवन में एकदम सक्सेसफुल सफल होता है एक का नाम इंदिरा इंदिरा मतलब लक्ष्मी अगर वो एकादशी करोगे तो माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक का नाम पाप मोचनी वो एकादशी करने से जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाती है। एक का नाम है मोक्षदा उसको करने पर जन्म मृत्यु का चक्कर से हमें बंधन से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा जिसको संतान नहीं होता है वो एकादशी व्रत करने पर उसको संतान की प्रकट होती है इसलिए आप पढ़ना उसमें 26 एकादशी की अलग 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 फल है। कोई व्यक्ति संसार में बड़े दुखी थे किसी की नौकरी नहीं थी घर में बड़ा दुख कष्ट था और एकादशी व्रत किया तो सारे दुख कष्ट दूर हो गए। इसलिए जो दूसरे दूसरे आप व्रत रखते हैं सोम मंगल उसका एक ही फल है और एकादशी की अलग 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 फल है इसलिए रुक्मिणी सत्यभामा पहले जन्म में एकादशी रखती थी इसलिए भगवान उसको अपना पटरानी रूप में स्वीकार की।
जिसको पांडवा निर्जला कहते हैं, गर्मी का समय में सबसे बड़ी व्रत आती है। कोई कोई कहते ना अरे इसको सधवा नहीं करते, विधवा करते, नहीं, इसको स्कंध पुराण में बताया अष्टाधिक पूर्णा सिद्धि आसित सिद्धि भक्त, ये श्लोक है। 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये एकादशी जरूर करनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ माता है कल मेरे को प्रश्न कर रही थी, बोले आज से क्या हम एकादशी उठा सकते हैं? बोले भगवान की जो भक्ति है ना कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। लेकिन कोई कोई कहते भैया उद्यापन भी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग कोई उद्यापन नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी कौन है? बोले ये स्वयं राधा रानी, ये भक्ति देवी है, ये एकादशी से राधा रानी है, राधा रानी को थोड़ी हम छोड़ देते हैं। इसलिए वैष्णव लोग एकादशी तक उद्यापन नहीं करते हैं, इसलिए एकादशी को सब कर सकते हैं। कोई कहते नहीं विधवा तो करती है, सधवा नहीं, बोले कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आप स्वयं भागवत को पढ़ करके देखो, जिसको अम्बरीश महाराज अपना पत्नी को साथ में करते थे, जिसको नंद जसोदा दोनों मिलकर करते थे, जिसको पांडव लोग कुंती द्रौपदी को साथ में करती थी, कृष्ण रुक्मिणी, हाँ स्वयं सत्यभामा रुक्मिणी जो व्रत को रखती थी, इसमें कोई नियम नहीं है। एकादशी व्रत को सब रख सकते हैं। इसलिए आप लोग जिन जिनियों ने आज एकादशी रखे, बहुत अच्छी बात है। भागवत में एकादशी व्रत रखे तो बहुत अच्छी है। इसलिए हमारे पुराण में आती है, पति पत्नी को पता नहीं था, एक देश में राजा हुए जिसका नाम था रुक्मांगद महाराज, उनका नियम था मेरे देश में सबको एकादशी व्रत रखना पड़ेगा। सब एकादशी व्रत रखते थे, पाप दुखी होकर के ब्रह्मा के पास में गए, बोले मेरे को जान से खत्म कर दो, नहीं तो स्थान दो, बोले कोई चिंता नहीं। उन्होंने एक लड़की को सृष्टि की जिसका नाम थी मोहिनी, बहुत सुंदर थी। बोले क्या काम बताओ? बोले रुक्मांगद की पत्नी बन करके जाओ और एकादशी व्रत को नष्ट करो। अभी वो जंगल में राजा घूमने जाते थे, जब राजा पहुंचे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जिनका नाम था बामदेव। ऋषि ने राजा की पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले महाराज आपको पता है पूर्व जन्म में आप कौन थे? बोले नहीं, बोले पूर्व जन्म में आप एक शूद्र थे, आपकी जो पत्नी एक वेश्या थी, लेकिन वो देखने में बहुत ही सुंदर थी, आप उसको प्रेम में एकदम पागल उसको प्रेम में थे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, लेकिन तुम दोनों को पता नहीं था आज एकादशी, और उसी दिन क्या हुई, उसने शरीर में बड़ी तेज बुखार आई और उसने खाना पीना छोड़ दी। आप तो उसको बहुत प्रेम करते थे, अब भी खाना पीना छोड़ दिए, बुखार उतरा नहीं, सारा दिन सारी रात उसने छटपट करते रही, आप भी दुखी हो गए। और दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ा, आप भी दुखी होकर शरीर छोड़े। महाराज जो अनजान में जो एक एकादशी व्रत आप रखा था, इसलिए देश का राजा वही अभी रानी बन गया। बोले इतनी महिमा अनजान में एक एकादशी व्रत करने की, उसको और भी ज्यादा दिल हो गया। सामने देखा मोहिनी बड़ी सुंदर थी देखने में, बोले तुम्हारी नाम क्या? बोले मोहिनी। बोले सचमुच से तू जगत मोहिनी हो? बोले लगता है किसी पति को तो ढूंढ रही हो? बोले हाँ मैं जितने सुंदर ही ऐसे किसी सुंदर पुरुष को मैं ढूंढ रही हूँ। बोले देश का राजा मैं हूँ, शादी करोगे? बोले हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या शर्त है? बोले जब मैं जो चीज बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। उसको शादी करके लाए, पहले उनको पत्नी थी, उसका बेटा का नाम था धर्मांगद। ये तो एकादशी को नष्ट करने के लिए आई, उन्होंने छुपा करके ब्राह्मण को बुलाया। बोले देखो अगर राजा तुमको पूछे एकादशी किसको किसको करना, शास्त्र की बात नहीं बताना, छुपा देना, कुछ मन गणत बात को बता देना। तुम ये बताना जो एकदम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, जो विधवा हो गई, इच्छा हो तो करे, नहीं तो कोई बात नहीं सबको करने का। अगर ये बात स्थापित तो हो गया ना, सोने चांदी से तुम्हारी झोली में भर दूंगी। ब्राह्मण तो थोड़ा लोभी थे, आगे इतने में राजा का देश में नियम था, जैसे कल एकादशी एक दिन पहले ढिंडरा पिटवाया करते थे। बोले सावधान, राजा का राज्य में सप्त एकादशी व्रत करना पड़ेगा, राजा का निर्देश है, जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दी जाएगी। पहले सब नियम होता, राज्य में सबको व्रत रखना पड़ता था। इतने में रानी बोली महाराज ये ढिंडरा क्यों पिटवा रहे? बोले ऐसे ऐसे बात। बोले ये एकादशी एकादशी कुसंस्कार कहां से ले आए? ये कहीं शास्त्र फास्त्र में है ना, अपनी मनमानी ढंग से स्थापन कर दी। बोले शास्त्र में? बोले दिखाओ। राजा को तो पता नहीं कि रानी पहले ब्राह्मण को पट्टी पढ़ा कर रखी। बोले ब्राह्मण ले आओ, गीता भागवत पुराण ले आओ। उन लोगों ने झूठ मूठ का खोल करके
राजा तो बैठते नहीं, वो झूठ मूठ को खोले और उन्होंने मन गणत बात को बता दिया। बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सबको करना, जो विधवा हो गई बुरी पूरा हो गई चाहो तो कर ले, कोई जरूरत नहीं सबको करना। बोले भैया तुम तो पहले ये बात कभी बताए नहीं। बोलते अम्बरीश महर्ष करते थे, यशोदा करती थी, पांडव लोग करते थे, इतने महिमा बोला करते थे, अभी इतने जल्दी बदल गए कैसे हो? बोले हाँ ऐसे ही महाराज। बोले नहीं मेरे देश में एकादशी व्रत रहेगी। मोहिनी बोली महाराज मैंने पहले कसम खिला करके शादी की है, मैंने कहा था तब भी मैं आपके पास में रहूंगी जब आप मेरे बात को सुनोगी। मैं कहता हूँ एकादशी व्रत मत करो और आप कह रहे हो एकादशी व्रत रखो, मैं तो जा रही हूँ। बोले जानना तो चले जाओ, मेरे देश में तो एकादशी रहेगी। लेकिन उसको बेटा था धर्मांगद, वो धर्म स्वरूप है, लेकिन वो उसको पता था उसकी छोटी माँ इतने सुंदरी, ब्रह्मा जी सारे अच्छे गुण को दे देकर बनाया थी, वो सचमुच से मोहिनी इतने सुंदर थी। राजा जब से उसको घर में शादी करके लाए ना, सारे राजकार्य भूल गई, दिन भर उसको साथ में पड़े रहते हैं। बेटा ने देखा अगर मेरी छोटी माँ चली जाएगी राजा तो बड़े दुखी हो जाएंगे। उन्होंने छोटी माँ को चरण में गिरी पड़े, बोले मैया एकादशी व्रत तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, इसकी विनिमय में आप जो मांगोगे हम सो देने के लिए तैयार हैं। बोले दे सकते हो? बोले हाँ। बोले बताओ? बोले अगर तुम्हारी पिता माता हंसते हंसते तेरे सर को काट करके मेरे को दे दे तब तो मैं रह सकती हूँ। राजा बोले तू स्त्रीना के विशाजी, अरे एक ही बेटा जो भविष्य में राज सिंहासन को संभालेगा और पिता माता हंसते हंसते बेटे का सर काट देंगे, मेरे देश में तू चले जा जरूरत नहीं तेरी। लेकिन छोटा बेटा ने कहा पिताजी ये शरीर आपसे ही मुझे मिला है, इसलिए आपकी सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य, एक दिन तो मरना ही है, अगर ये शरीर को दे करके पिता माता की सेवा हो फिर एकादशी व्रत ठाकुर का व्रत रहे इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पिताजी कोई चिंता मत करो, जब काटने के लिए गए ना एकदम पृथ्वी कांपने लग गई, भूचाल आ गई, वैकुंठ से साक्षात भगवान स्वयं उतर करके वहां से आ गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। बोले महाराज रुक्मांगद रुको रुको रुको, तुम्हारी त्याग से मैं संतुष्ट हूँ, ये एकादशी व्रत मेरा ही व्रत है, लेकिन सबसे प्यारा अपना बेटे को भी आपने तिलांजलि दे दिया, मैं संतुष्ट हूँ, रथ आया बैठो और वैकुंठ चलो। बोले धर्मांगद तेरे ऊपर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, एकादशी व्रत के लिए तुमने प्राण भी देने के लिए तैयारी हो गया, अभी तुम राजत्व करो तेरे लिए भी रथ आएगा तुम भी जाओगे। पाप बोला प्रभु मेरे को भी तो स्थान दो। बोले एकादशी का दिन अन्न में तुम्हारी निवास है। अभी मोहिनी बोली मेरी क्या होएगी? बोले देखो एकादशी कभी कभी एक आती है और कभी कभी दो आती है, हैं? कभी कभी दो आती है, देखना जब एक एकादशी आती तो उसमें करो, अगर कहीं दो आ गए ना इसलिए पहला एकादशी को छोड़ करके जो द्वादशी युक्त जो एकादशी से विशेष महत्व है, इसलिए बोले दशमी युक्त जो एकादशी करेगा कहते उसका फल तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए द्वादशी युक्त जो एकादशी करेगा उसको विशेष महिमा, उसको एकादशी की विशेष महिमा मिलेगी। इसलिए आज जो एकादशी है वो द्वादशी जुड़ा हुआ एकादशी है, इसलिए आज एकादशी की विशेष विशेष महत्व आज श्री एकादशी की। बोले श्री एकादशी व्रत की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैं सोच रहा था कि प्रभु जी एकादशी के बारे में कुछ बोले, लेकिन टाइम हो गया, कल एकादशी के बारे पर कल बताएंगे, ठीक है? आज हम भगवान बामन देव का कथा सुन लेते हैं। बामन देव तैयारी है? बोले अक्सर करके ये देवता देखते में लड़ाई होती थी, अगर ये देवता हार गए ना मर गए तो पूरा मर जाते हैं, लेकिन जब दैत्य मर जाए इनका गुरु श्री शुक्राचार्य ये संजीवनी मंत्र से चेलों को जिंदा कर दे। एक दिन देवता लोग गए भगवान के पास में, बोले हम अमर कैसे बनेंगे? बोले ये समुद्र मंथन करो अमृत निकलेगा, अमृत पान करने पर तुम लोग अमर बन जाओगे। अभी समुद्र मंथन हुई, सर्वप्रथम हलाहल बीज निकला और श्री शंकर जी को प्रार्थना की तो टन के टन शंकर जी पूरा जहर को उन्होंने टन उन्होंने पान कर लिए और गले में उन्होंने जहर को धारण की, इसलिए इनका एक नाम हो गया नीलकंठ नाम। बोले श्री नीलकंठ महादेव। हाँ देखो शंकर जी
एक बहुत अच्छी बात सिखा देते हैं कि अगर कोई गंदी चीज हो ना कहते भैया उसको मुंह में भी मत रखा करो और उसका हृदय में भी मत लो। कहाँ पर रखो? उसको गले में रख लो। कहते अगर मुंह में रखोगे, देखो जितने माता है ध्यान देकर सुनो, ये आपकी काम की बात है। कहते अगर कोई है, देखना आपका शरीर में हर चीज में हड्डी है, जैसे अंगुली में हड्डी है इसको सीधा कर लेते हो, हाथ में हड्डी है इसको सीधा कर लेते हो, कमरे में हड्डी इसलिए बैठी गई, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं। बता सकते हो किसी में हड्डी नहीं? जीवा में। बाबा आप सब पंडित लोग हैं, इसलिए ये जीवा में हड्डी नहीं है। आप देखना ये जीवा हर से लपर 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 करती है। आप देखना ये जो महाभारत किस लिए हुई, ये जीवा की वजह से। द्रौपदी केवल इतनी सी बात दुर्योधन को बोल दिया, अंधा का बेटा अंधा होता है, सारे महाभारत हो गई। रामायण किस लिए हुई? सीता ने थोड़ी सी जीवा से बुरी शब्द निकाल दी। लक्ष्मण को बोले मैं अभी समझ गई हूँ क्यों तू साथ में आया था। जब राम मारीच तो पीछे चले गए, वो था राक्षस था, जब उसको बाण मारे इतने में उसने बोले भैया लक्ष्मण, इतने में सीता बोले देखा राम के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी है। लक्ष्मण को पता भगवान राम है, इनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। बोले प्रभु के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती, प्रभु मेरे को बोले आपको रक्षा करने के लिए। सीता के बोले इतनी सी बात बता दी, अभी मैं समझ गई हूँ तो साथ में क्यों आया था। ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे? लक्ष्मण कहाँ ये बात को सहन कर सकती, उनको अपना माता जानती है, माता रूप में पूजा करती है। इतने में लक्ष्मण चला गया तो क्या हुआ? रावण आकर के उठा करके ले गया और जितने सारे रामायण हो गए। देखो ये जो जीवा है ना, देखना घर घर में भाई भाई में कौन लड़ाई लगाती है, ये बहू बहू में कौन लड़ाई लगाती है, देखना यही जीवा। इसलिए माताओं के लिए विशेष करके सावधान बताए, ये जीवा को ज्यादा लपर लपर नहीं करना है, ये जीवा को ज्यादा चलाना नहीं, नहीं तो भाई भाई बहू बहू में घर घर में लड़ाई लगा देगी। कुछ बात नहीं, केवल जीवा थोड़ा सीख हो गया बस। देखना उसने हमको ऐसे बोला ना, पूरा घर घर में लड़ाई। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, और ज्यादा बोलना है ना बोले एक एक लाख हरिनाम करो, रोज रोज एक एक लाख हरिनाम करो, जीवा अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए भगवान के नाम जप करो, इधर उधर की बात आपस में मत करो। अभी समुद्र मंथन हुई तो माँ लक्ष्मी स्वयं निकली, उन्होंने भगवान नारायण के गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की जय। समुद्र मंथन हुई तो अमृत निकला। अभी ये दैत्यो ने जो जबरदस्ती छीन लिए, इतने में भगवान मोहिनी अवतार लिए, बोले चिंता मत करो तुम दोनों को मैं बांट देती हूँ, लाइन करके बैठी जाओ। बोले पहले तो देवता को पानी पानी पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा रह जाएगी फिर हम दोनों बैठ कर एकांत में पान करेंगे। जब उन्होंने अमृत बंटन कर रहे थे, इतने में चंद्र सूर्य को बीच में एक दैत्य था जिसका नाम था स्वर्भानु दैत्य, उसने चंद्र सूर्य को बीच में आकर बैठ गया और उसने भी अमृत पी ली। चंद्र सूर्य ने इशारा किया, बोले प्रभु ये जो है ना ये दैत्य है, ये दानव, ये दैत्य है, ये देवता नहीं। भगवान ने चक्र को बुलाया और चक्र ने उसकी गला को काट दिया, एक हो गया राहु और एक हो गया केतु। इसलिए चंद्र सूर्य को कभी कभी ये आक्रमण करता है। देखो जब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उन्होंने राक्षस को काटे, जहां पर उसकी खून और मांस गिर पड़ा वहीं से ये प्याज की पौधा हुई। प्याज की कहां जन्म हुई? कहते उसकी मांस और खून से ये प्याज जन्म हुई। देखना मांस का रंग जैसे लाल लाल रंग है, वो प्याज का रंग भी वैसे लाल लाल। जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, वो प्याज में भी वैसे बदबू आती है। आप कच्चा प्याज खाओ मुंह से इतने बदबू आएगा बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर प्याज काटो पूरा चारों तरफ में इसकी बदबू बदबू चारों तरफ में फैल जाती है। इसलिए आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो? सबके सब रखते हो। 9 दिन तक कोई प्याज रसन खाते हो? कोई कोई नहीं खाते। बोले क्यों? माता जी को पसंद नहीं क्या? मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर खा करके नाराज कर दो? इसलिए माता जी को जो चीज पसंद नहीं है तो वो चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। जो चीज ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है वो चीज भी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कोशिश करना धीरे धीरे ये चीज को छोड़ करके पवित्र होकर के ठाकुर जी को बुला करके प्रसाद खाने के लिए। अभी फिर
इतने में भगवान सारे अमृत देवता को उन्होंने देख करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर देवता दैत्य में लड़ाई हुई, फिर देवताओं ने दैत्यों को मारना शुरू किया। ब्रह्मा जी आकर के बीच में रोके, फिर शुक्राचार्य जी आकर फिर अपना चेले को जिंदा कर दिए। इतने में ही बलि महाराज ने उन्होंने यज्ञ की, यज्ञ से एक रथ निकली जिसका नाम, जिस रथ में बैठ कर कोई युद्ध करे उसको कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। इतने में उन्होंने फिर देवताओं के ऊपर चढ़ाव की, सारे देवता को मार मार कर भगा दिए और सिंहासन को उन्होंने दखल कर लिया। अभी देवताओं की जी माँ अदिति कश्यप जी के पास में गए, प्रार्थना की मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिले। बोले 12 दिन केवल एक पय व्रत है, भगवान को सुंदर खीर बनाकर खिलाओ और बड़े सुंदर भगवान की भक्ति करो, भजन करो, ठाकुर जी वामन रूप में आएंगे और आकर के तुम्हारी सारे दुख को दूर कर देंगे। उन्होंने व्रत किया तो ठाकुर जी स्वयं वामन रूप में आए। बोले श्री वामन भगवान की। अभी त्रिभुवन उमड़ी उनको स्वागत करने के लिए।